प्यार हुआ इकरार हुआ तो प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। गाना सुना है, कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहां मंजिल। वाह 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 वाह। अभी देखो अभी समझ में आ जाएगी रेनमैन प्रॉब्लम, अभी कोई दिक्कत। एक एक आदमी बस, एक ही छाता चाहिए। पहली बात छाते में थोड़ा सा पानी था, दूसरी बात वहां खोल दिया वो बेचारी बच्ची के ऊपर पानी आ गया सारा। चलो खैर, तो हमारे E2's का छाता हमारे पास है बेटा, बस टूटना मत, बेइज्जती हो जाएगी, है ना। तो पॉइंट हमारा ये है कि देख हमारे पास में छाता है, बारिश वारिश होती ही रहती है, आज भी हो रही है, बढ़िया मौसम है। तो बारिश के दिनों में क्या होता है, हमारी इच्छा होती है अपन मेंढक बन जाएं, बाहर निकलें, घूमें सड़क पे, है ना, नहाने की इच्छा करती है। बचपन में तो करती थी, अब थोड़ी कम करती है। अब ये लगता है कि थोड़ा भी भीग गए तो अरे यार भीगे नहीं, तभी इतना खराब हो जाए, क्योंकि आपको बहुत सारे काम है, आपको पढ़ना है और लिखना है और पता नहीं क्या क्या करना है, तो थोड़ा सा डर आ जाता है मन में। वो सारे डर एक तरफ रखो और खिड़की से हाथ बाहर यूं निकाल के देखो, सुहानी सुहानी बूंदे लगती हैं, लगती है ना। और जो सुहानी बूंदे हैं, वो सुहानी बूंदे जो है ना बेटा, वो पिन की तरह चुभने लग जाती हैं अगर बाइक पे निकल जाओ चलाते हुए तो। पिन की तरह चुभती है, ऐसा लगता है पता नहीं कोई पिने मार रहा हो, फट 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 फट, ऐसा लगता है कि नहीं। और फिर तुमने ये भी नोटिस किया होगा कि आगे आगे से बॉडी भीग जाती है, पीछे की सूखी रहती है। किया है? ये क्या है ये सब, मतलब क्या नाटक है? सीधे खड़ा हूं तो पूरा भीग रहा हूं, गाड़ी चला रहा हूं तो आगे से भीग रहा हूं, है ना। और इसी में एक और नाटक क्या होता है, अपने पीछे अगर किसी को बिठा लो कि भाई तू छाता पकड़ ले, और वो अगर छाता खोल दे और ऐसे पकड़ ले तो बेचारा छाता पीछे हो जाता है। आप अगर मान लो बाइक चला रहे हो और आपके आगे ऐसे कर ले तो भी खेल खत्म। मतलब कैसे, क्या करे आदमी, आदमी क्या करे, मतलब ऐसे तो पकड़ेगा तो छाता ऊंचा खुल जाएगा, पता है ना तुम्हें, ऐसे कर दिया तो दिखेगा ही नहीं, तो दोनों केस में गेम तो ओवर होना ही है। तो पीछे पकड़ के बैठ गया तो भी भीगना है, तो कोई मतलब ही नहीं रहा किसी भी चीज का। तो ऐसे में हमसे बस ये पूछा जाता है कि हमने छाते की डायरेक्शन क्या लेनी चाहिए जिससे कि हम लोग बारिश में भीगने से बच जाएं, ठीक है। अगर बारिश में भीगने से बचना है, और वो गाना नहीं गाना है, कौन सा, प्यार हुआ इकरार हुआ तो प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। गाना सुना है, कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहां मंजिल। वाह 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 वाह। तो जरा सोच, अगर मैं एक कंडीशन दूं जिसके अंदर क्या हो रहा है बेटा, ऊपर से क्या गिर रही है, बारिश, ऐसा ही तू भी करता है जब तू बाइक पे बैठता है किसी और के साथ में, छाता आगे कर देता है, वो भी यही बोलता है दिख नहीं रहा, पर तू बोलता है भीग भी तो नहीं रहा। दिख नहीं रहा। और ये हमारे कांटों जैसे बाल वाले भाई साहब, जिनको बहुत दुख हो रहा था, इनको बहुत दुख हो रहा था जब माचिस हम लोग उसके पैकेट से जला रहे थे, इसे लग रहा था मेरे सर पे क्यों नहीं कर रहे। ये हमारा आदमी भागा बेटा VM, और ऊपर से नीचे क्या गिर रही थी, बारिश, ठीक है। सिंपल सिंपल सी बातें हैं, बारिश गिरी, आदमी भागा राइट में, सीधा खड़ा था तो छाता ऐसे खोलेगा, पर अब जब भाग रहा है तो कैसे खोलेगा। तो उस फंडे को समझने के लिए हम लोगों को क्या करना है, जरा ध्यान देना, सोच के देख। ये मैं था, अब मैं इधर भाग रहा हूं, तो फील क्या आती है तुम्हें कि छाता ऐसे पकड़े। इसके लिए फिजिक्स आनी जरूरी भी नहीं है, इसके लिए ये लगाएगा क्या VRM निकालेगा बैठ के पहले, फिर बाहर। कुछ चीजें फील से भी तो होती हैं, ये वही फील है। तो हमें नेचुरली कुछ चीजें पता है कि ऐसे होगा, हमें नेचुरली पता है गर्म चीजों को हाथ में पकड़ के नहीं बैठना है, ये तो हाथ जल जाएगा। उसके लिए कोई तुम्हें बताएगा क्या, हीट ऑलवेज ट्रेवल्स फ्रॉम अ हॉटर बॉडी टू अ कोल्डर बॉडी, पता है ना यार। नहीं, ये 11वीं में पढ़ूंगा तब तक हाथ जलाता रहूंगा। बावड़े थोड़ी अपन लोग, तो जब उधर भागूंगा तो छाते ऐसे वॉट इट। पर बारिश में भागना क्यों है, फिसल भी तो सकते हो। पर ये फिजिक्स के सवाल बनाने वालों को समझ नहीं आता, आदमी को भगाते हैं 40 मीटर पर सेकंड से। तो बेसिकली छाते की डायरेक्शन ये इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। VRM किधर था, ऐसे नहीं खोलना है, ऐसे में क्या पानी इकट्ठा हो जाएगा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए तरीका बहुत अच्छा है। पर असल क्या है, अगर आपको बारिश से बचना है तो क्लैरिटी है ना, आप ठीक है, तो बारिश में पहले तो भागो ही मत, चुपचाप से चलो धीरे धीरे, तो बहुत ज्यादा फर्क पता, गॉट इट। रेनमैन प्रॉब्लम की कहानी यही है, अगर आपको ये बात पता लग गई, ले ले भाई,
अगर आपको ये वाली बात पता लग गई कि किस तरह से हम लोगों को छाता खोलना है, तो आपका आधा काम हो गया, ठीक है। और डायरेक्शन हमेशा क्या होगी वीआरएम के, तो एक लाइन लिख लेना, ऑलवेज ओपन अम्ब्रेला अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ वीआरएम।